हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल HT स्मार्ट स्टडी मोराज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB असिस्टेंट लोको पायलट का जो 13 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसके जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड उनके बारे में। तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन है इनको फ्रेंड जो आप जरूर याद कर लें और इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले एग्जाम में जो किस तरह के क्वेश्चन जो है लोको पायलट में साइंस के जो पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है इसे दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, इसके बाद ये बेल आइकन दबाएं, इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ये फ्रेंड शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, pH वैल्यू का अधिकतम मान कितना होता है। pH वैल्यू होती है उसका अधिकतम मान कितना होता है, ये होता है हमारा 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड 14। जो pH वैल्यू का अधिकतम मान होता है वो होता है 14। उसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। उसके बाद ये है क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी ये की थी हमारी विलियम हार्वे ने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे सूर्य की तरफ किस हार्मोन की वजह से झुकते हैं। जो पौधे होते हैं जो सूर्य की तरफ आपने देखा होगा कि वे झुक जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है, तो ये किसकी वजह से झुकते हैं, तो ये होता है इसमें ऑक्सीजन की वजह से जो है पौधे सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोली चलाते समय पीछे की तरफ झटका लगता है। जब गोली चलती है तो उसमें जो है पीछे की तरफ झटका लगता है, तो इसका क्या कारण है, तो ये होता है न्यूटन लॉ का। तो न्यूटन लॉ के जो इसके कारण जो गोली चलाते समय पीछे की तरफ झटका लगता है तो ये होता है, क्यों लगता है, ये होता है न्यूटन लॉ का। उसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सॉरी फ्रेंड यहाँ पे कमल हो गया, मिस प्रिंट है ये, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अम्ल। तो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है नीले से जो है लाल रंग कर देता है इसको। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये लिटमस पेपर पर डालते हैं तो इसको ये नीले रंग से जो इसको लाल कर देता है। तो फ्रेंड आप जो है वीडियो को नीचे जो ये लाइक का बटन है फ्रेंड इसे जो है ज़रूर दबा लें फ्रेंड, और वीडियो को जो है अभी लाइक कर दें। इससे फ्रेंड की जितनी ज़्यादा लाइक होंगे फ्रेंड उससे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो हम आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंड। तो जो है आप जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लाइक का बटन ये है ज़रूर दबाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो जो रेबीज का टीका था इसकी खोज किसने की है, ये की है लुईस पाश्चर ने। तो जो फ्रेंड जो खोज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो जैसे टीके की खोज है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें। तो रेबीज के जो टीके की खोज है ये की है लुईस पाश्चर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है। तो जो प्रोटीन होता है ये किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन मिलकर बनता है अमीनो से। तो जो अमीनो से मिलकर जो है प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है आपको याद कर लेना है, अमीनो से। उसके बाद नेक्स्ट है, मोल्टोज किससे मिलकर बनता है। मोल्टोज किससे मिलकर, तो ये बनता है दो यूनिट ग्लूकोज से मिलकर जो है बनता है मोल्टोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जो कान जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारे कान में, और उसका क्या नाम है, इसका नाम है स्टॉपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉपेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम मानव शरीर में, जो क्रोमोसोम होते हैं ये मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कोशिका के जो केंद्रक होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। जो मानव शरीर में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर। तो फ्रेंड इस तरह के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट है, मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है, तो ये होता है 18 यानी कि 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 यानी कि 80। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, आपको याद कर लेना है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के गवर्नर कौन है। यहाँ पे पूछ लिया है जो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे जो है सभी जो है हमारे जो राज्य हैं उनके प्रधानमंत्री जो
मुख्यमंत्री और जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल आपको जरूर याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो असम के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीश मुखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश मुखी जो है असम के गवर्नर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, आरबीआई का सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आरबीआई का सीएफओ किसे नियुक्त किया है, तो ये हमारे सुधा बालकृष्णन को जो है आरबीआई का सीएफओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। जो कार्य करने की क्षमता है ये क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं हम ऊर्जा, ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो सेल होती है हमारी उसका जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये फ्रेंड जो लोको पायलट में जो सेकंड और थर्ड शिप के कुछ साइंस के जो क्वेश्चन थे। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को जो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ, थैंक यू।